वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में स्वागत है। आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 किया है, जो कि हमने लाइव लिया था। कुछ प्रॉब्लम थी बट हमने लाइव किसी तरह कंप्लीट कर लिया था। वो वीडियो आपको प्रोवाइड हो गया है, आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, जिसमें यूनिट 2, यूनिट 1 और ओवरऑल क्वेश्चन रिलेटेड हैं, 35+ क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर मैंने एक पैटर्न अपनाया, मैं जिस जीएस मैं जीके पोर्शन या करंट पोर्शन से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं उसमें प्रैक्टिस सेट पीछे दिए गए हैं, जिसमें 50-50 क्वेश्चन हैं। तो हम उन 50-50 क्वेश्चन को 2-2 दिन के अंतराल में क्या करेंगे, डिटेल डिस्कशन के साथ 50-50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, करंट अफेयर वाला पार्ट भी होता जाएगा साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 52 हुआ, 56 हुआ, 55, 54। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 56। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 56। तो पहली बात ये। फिर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत को कौन सा मिला है? 56। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका पहले स्थान पे कौन था। सिंपल सी बात है, तो पहले स्थान में था बेटा आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आ जाता। सेकेंड में था क्या आपका? स्वीडन था, स्वीडन था। और आपका जो इंडिया है वो इसमें किस में रैंक है? 56 रैंक में। उसके बाद आपसे पूछ सकता है आईएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आईएमडी का फुल फॉर्म हो जाता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इस तरह डिस्कशन करते हुए पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन से 4 से 4 to 5 क्वेश्चन हम लोग कवर करते जाएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कच्छ होगा, गांधीनगर, डांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डांग हो जाएगा। जैविक खेती जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 का संबंध किस कथन से है? तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक का मतलब होता है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में आपका कौन सा कथन सही है। यह सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान मिला, यह सूचकांक भारत के छठवां स्थान मिला है। दोनों सही है, एक सही है, कोई नहीं सही है। तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन भी सही हो जाता है और आपका भारत वाला भी ऑप्शन सही है। मीन्स जो आपका यूएसए उसे प्रथम स्थान मिला है और आपका जो भारत है इंडिया है उसे 66 स्थान मिला है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन सी बन गई है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, सिंपल है, दुबई सरकार जो 100% पेपरलेस हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ देखिए, जो क्वेश्चन डिस्कशन करने लायक होगा मैं उसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा, आप परेशान ना होइए। हाल ही में किस देश को सार्को नामक एक सुसाइडल मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो ये किस देश ने दी है? ये दी है आपके स्विट्जरलैंड ने। किसने दी है? आपकी स्विट्जरलैंड देश ने दी है इसको। और सबसे पहली बात, नाम क्या है उसका? सार्को सुसाइडल मशीन। सुसाइडल मशीन का सुसाइड का मतलब क्या होता है? ये दो प्रकार की होती हैं, इथुसिया इसे बोलते हैं, इथुसिया इच्छा मृत्यु को इथुसिया बोलते हैं। इसमें एक्टिव होता है और पैसिव होता है। पैसिव में क्या होता है बेटा आपका, कि इसमें जो आप इच्छा मृत्यु लेते हैं उसमें आपको कोई पेन वगैरह नहीं होता, मगर जो एक्टिव वाला होता है उसमें आपका पेन होता है। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर हो गया, स्विट्जरलैंड इसका आंसर है। उसके बाद 11वां इक्वेरियन सैन अफेयर्स का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच, मालदीव के बीच किया गया, भारत और मालदीव के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है? अदामा बेरो गांबिया के राष्ट्रपति, ओलाफ स्कोल्स ये जर्मनी के चांसलर, कैथरीन रसेल यूनिसेफ की प्रमुख, और गीता गोपीनाथ आईएम की प्रमुख। तो बेटा इसमें से ये तीनों तो सही है, मगर हमसे नहीं वाला पूछा है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा डी पार्ट, गीता गोपीनाथ। वो आईएम की प्रमुख नहीं है। ठीक है, गीता गोपीनाथ क्या थी? ये थी फर्स्ट इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इन ईएमएफ। तो इस समय जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं आईएमएफ की, गीता गोपीनाथ। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं आईएमएफ, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है, मैं जो बात साथ में बता रहा हूँ उसे आप ऐड करते जाइएगा। वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उसका संबंध किस चीज से था? तो ये थे आपके मनोचिकित्सा, मनोचिकित्सा से रिलेटेड थी। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोचिकित्सा, शारदा मेनन जी। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 द चार्ज ऑफ गोरखाज एंड अदर स्टोरी के लेखक क्या है? बाल कुमार मथुर, प्रभात कुमार, गौतम चिंतामणि, रचना बिष्ट रावत। तो इसका राइट आंसर जाएगा रचना बिष्ट रावत के साथ। ठीक,
है, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। नौसेना के अवसर पर, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से दुनिया भर में सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन करने वाली भारतीय नौसेना ने कहाँ से ये प्रदर्शन किया? तो ये आपका राइट आंसर होगा, मुंबई। मुंबई से किया इसका प्रदर्शन 2021 में। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इस असम से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, कि असर झारखंड से? तो इसका राइट आंसर जाएगा बिहार। बिहार, यहाँ बात आ रही मिथिला, मिथिला से सीता जी से रिलेटेड है, सीता जी से रिलेटेड है। मिथिला नरेश, जब आप रामायण पढ़ते होगे तो मिथिला नरेश बोलते नहीं, तो वहाँ पे सीता जी से रिलेटेड है। और ये जनरली आपका नॉर्थ बिहार एरिया में पड़ता है, नॉर्थ बिहार में दो पार्ट होते हैं, जो नॉर्थ बिहार बी पार्ट में होते हैं, मिथाली मिथैली बोलते हैं, और साउथ साइड जो होता है वो भोजपुरी साइड पार्ट हो जाता है, तो इसलिए दो पार्ट में डिवाइड है अपना बिहार। तो नॉर्थ बिहार उसमें मिथैली मैथिली मैथिली वाला पोर्शन होता है, जो साउथ बिहार होता है उसमें भोजपुरी वाला पोर्शन होता है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रिलेट कर दिया मैंने, तो इसको GI टैग मिला है। उसके बाद टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जेफ, एलन मस्क, जी बेडन, नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर इज एलन मस्क। क्या है इसका राइट आंसर? एलन, पर्सन ऑफ द ईयर 2000। नेक्स्ट में चलते हैं, हाल ही में किस भारतीय पुरुष वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2021 से सम्मानित किया गया, 22 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर वास्तुकार, वास्तुकार का मतलब होता है आर्किटेक्ट। क्या होता है वास्तुकार का मतलब? आर्किटेक्ट के रूप में, आर्किटेक्ट के रूप में किसे दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का, तो इसे दिया गया आपके बालकृष्ण दोषी को। किसे दिया गया? बालकृष्ण दोषी को। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, जूनियर हॉकी विश्व कप के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था, बिल्कुल सही है, अर्जेंटीना के जर्मनी को हरा कर उसने विश्व कप जीता, बिल्कुल सही। तो इसमें दोनों आंसर ही सही है, तो आपका आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें बात की जाए तो ये जूनियर हॉकी का जो होता है, ये जर्मनी में जर्मनी जो अभी विजेता हुई है वो 6 बार जीत चुकी है, मगर जर्मनी 6 बार विजेता रही है को हरा कर अर्जेंटीना ने इस बार अपनी विजय घोषित की है। और इंडिया किससे हार गया था? इंडिया जो था इसमें, ये इंडिया जो था इसमें जर्मनी से हार गया था इन सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल तक इंडिया पहुंचा था, उसके बाद हार गया था, ठीक है? उसके नेक्स्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन चुके, इनका संबंध किस देश से है? तो ये है बेटा आपके पुर्तगाल से, पुर्तगाल से रिलेट करते हैं, पुर्तगाल से इंडिया के फर्स्ट फुटबॉलर हैं, वो वर्ल्ड के फर्स्ट फुटबॉलर हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में घोषित ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? वर्ष 2020 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए मिला था, ये बिल्कुल सही है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन। वर्ष 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मांझी को कोंकणी भाषा के लिए मिला है, ये भी बिल्कुल सही। तो आप याद रखेंगे नीलमणि फुकन को किसके भाषा के लिए मिला? असमिया भाषा के लिए मिला था, और दामोदर मांझी को मिला है कोंकणी भाषा के लिए, इसलिए दोनों आंसर सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट में चलते हैं, अगर इस अवार्ड की बात की जाए, ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर मैं बात की जाए, तो ये जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड स्टार्ट हुआ है, ये आपका स्टार्ट हुआ है आपका, अगर मैं थोड़ा डिटेल डिस्कशन करूँ तो ये 1965 से स्टार्ट हुआ है देना। फर्स्ट अवार्ड 1965 में दिया गया था, और इस्टेब्लिश इसका हुआ था 1961 में, ठीक है? टोटल 23 लैंग्वेजों के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, और अगर ये शेड्यूल की बात की जाए तो ये 8th शेड्यूल में आता है इंग्लिश लैंग्वेज वाली, और 22 लैंग्वेज में होता है, और जनरली ये मरने के बाद नहीं मिलता है, ये मरने के पहले ही दिया जाता है, ठीक है? चलिए, 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? ये आपको प्रदान किया गया है असगर वजाहत को। किसे मिला है? असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, दिसंबर यूनेस्को में भारत में किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा को ऐड किया है। ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का मतलब होता है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ठीक है, इसका इंग्लिश में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट, अमेरिका में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? तो सभी जानते हैं द चैलेंज, द चैलेंज इज द फर्स्ट मूवी विच इज शूट इन स्पेस, ठीक है? 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 20 नंबर क्या कह रहा है, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट ऊंचाई के सेला सुरंग, नाम क्या है? सेला सुरंग को निर्माण किया जा रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश राज्य में है।
अरुणाचल प्रदेश राज्य में 7 बात का अगर बात की जाए तो इसे इंग्लिश में अगर कहा जाएगा तो ऑल वेदर्स कनेक्टिविटी बिटवीन द गुवाहाटी टोआंग। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच कनेक्टिविटी है? ये आपकी गुवाहाटी असम से लेकर टोआंग अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा ये बनाई जा रही है। मान लीजिए कि यहाँ पे गुवाहाटी है, गुवाहाटी असम से लेकर आपका यहाँ से टोआंग अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मतलब यहाँ से अरुणाचल प्रदेश आएगा तो यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका बनाया गया। ये मान लीजिए यहाँ से आपका गुवाहाटी हो गया, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, तो इसके बीच जो ये सुरंग बनाई जा रही है ये, ठीक है, इस तरह, तो ये बनाई जा रही है अरुणाचल प्रदेश की। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई है? स्वचालित और चालक रहित ट्रेन, तो ये आपकी सबसे पहले किसने लॉन्च किया है, इसने शुरुआत की है? इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। जर्मनी के द्वारा चालू किया गया है स्वचालित मतलब सेल्फ ड्राइविंग वाला, और चालक रहित की पायलटलेस। ठीक है, 18,000 करोड़ रुपए वाली बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पेस जेट होगा, जेट एवरेज होगा, इंडिगो होगी, टाटा ग्रुप। राइट आंसर इसका होगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए देकर एयर इंडिया को अपने अधिग्रहण कर लिया है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला भारत का पहला अनुसूचित या अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन सा बना है, एसएसटी वाला? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा को मंजूरी दी गई है। अगले उसमें चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला बाल सुरक्षा टिकट विकसित किया है? ये किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस जिमनास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा सिमोन बाइल्स के साथ जाएगा। याद रखेंगे सिमोन बाइल्स सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स 2021 के रूप में सम्मानित किया गया, किसमें? टाइम पत्रिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ये जाएगा नीना गुप्ता के साथ। नीना गुप्ता को 2021 रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। वर्ष 2022 के अंत में निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्केप ने भारत के पहले निजी रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या रखा है? तो इसका जो नामकरण किया गया है ये किया है आपका विक्रम फर्स्ट। अगर बात की जाए इसके थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए तो डिटेल में देखा जाए तो इसे इसरो इसरो ने लॉन्च किया। इसमें कौन कौन सी निजी स्पेस कंपनी है? इसरो है, नासा। इसरो कहाँ की है बेटा? इसरो कहाँ की होती है आपकी? इंडिया की है। अगर मैं थोड़ी एजेंसियों की बात कर जाऊँ तो नासा, नासा कहाँ की है बेटा? आपकी यूएसए की आ जाती है, यूएसए की है। उसके बाद जैक्सा, JAXA, जैक्सा आपकी जापान की होती है, जापान की हो गई। उसके बाद एक और आता है ESA, ESA ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, ये यूरोप की है। किसके है? ये यूरोप की है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो दुबई में आयोजित तो फिड FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्रस कार्लसन, तो आंसर नाम याद रखेंगे मैग्रस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। इनका संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे से रिलेशन रखते हैं, नॉर्वे के हैं आपके। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिसंबर 2021 में नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका देश है भूटान देश। भूटान देश ने इन्हें सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1398 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी की कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया? उस महिला का नाम क्या है? उसका महिला का नाम है सूजन अर्नोल्ड। किन्हें नियुक्त किया है? सूजन अर्नोल्ड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन, जिसका आप इंग्लिश में कहेंगे तो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो परिषद को 2 साल 2022-23 के लिए पुनः सदस्य के रूप में चुना गया? किस देश को चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। भारत को चुना गया है आपको। ठीक है, अगर हम इसकी थोड़ा डिस्कशन की बात किया IMO क्या है, तो ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर शिपिंग एंड प्रिवेंशन द पॉल्यूशन ऑफ द शिप्स। जो आपका शिप वगैरह उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी और साथ ही साथ पॉल्यूशन कंट्रोल जो देखता है वो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अंतर्गत आता है।
तो इसी से रिलेटेड ये आपका है, जिसे भारत को सदस्य 2022-23 का बना दिया गया है। ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, ये यूएसए की एजेंसी है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित 4000 डेज के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, 400 डेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 32 का जो राइट आंसर होगा वो चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। चेतन भगत इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप क्लियर हो गया। अगर नेक्स्ट चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के खिताब के रूप में चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के खिताब किस को दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ए, पोचमपल्ली तेलंगाना। कहाँ पे? पोचमपल्ली तेलंगाना, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के खिताब से घोषित किया गया है। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो मैड्रिड है, स्पेन में। और इसका जो फाउंडर है, 1975 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में, राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? केसरी हिंद को, गेल मिथुन को, भीमकाय नरेश को, गौरैया को। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर ए से, कैसरे ए हिंद। किससे रिलेट किया? केसरे हिंद से। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त तो साइकिल रैली आयोजित की है? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार की, नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर ए, बांग्लादेश के साथ की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर में चलते हैं। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य? पहला, पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान मिला है। ओके, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, बिल्कुल सही है, जैसे पदक तालिका में दूसरे स्थान में रहा। तो ये दोनों ही आपके ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 37 का देखते हैं, सातवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपको याद रखना, सातवां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आपका आयोजित किया गया है पणजी, गोवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। क्वेश्चन, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? यूएनएसडब्ल्यू, यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है। इसे किससे चुना गया है? इसका जो राइट आंसर है भारत, भारत को चुना गया है। कहाँ तक के लिए? 2021 से 25 तक के लिए। ठीक है, ओके, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो इसे ये प्रदान किया गया है आपके प्रकाश पादुकोण को। किसे प्रदान किया गया है? प्रकाश पादुकोण को। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। नेक्स्ट में चलते हैं, नंबर 2020 से डीजीपी और आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ में आयोजित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। आईसीसी वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? तो देखो, इससे दो क्वेश्चन, हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डेविड वार्नर। इसका मतलब किनको किनको शामिल किया है? महिला जयवर्धने, जेनेट ब्रिटिन और शान पोला को शामिल किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, 8 क्वेश्चन रिमेनिंग है बेटा, इसे कंप्लीट करना हर हाल में। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल, PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर ए पार्ट, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1946 में हुआ था। आईएसओ का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था आपका? 1946 में। तो ये जनरली आपका किससे, चलिए आगे चलते हैं इसमें। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? महिला मतलब संयुक्त राष्ट्र की महिला प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा, ये आंसर नंबर ए, जोया अग्रवाल को। जोया अग्रवाल को क्या किया गया? भारतीय महिला संयुक्त राष्ट्र महिला प्रवक्ता को नियुक्त किया गया। भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में जो नियुक्त किया गया वो किसे किया गया है? जोया अग्रवाल को किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 44, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? सोवरेनिटी ऑफ नेशन, सेल्फ रिलायंट इंडियन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा डी के पास जाएगा, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर है जो 15 अगस्त बनाया गया आपका 2021 का, उसका। भारत का पहला
भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है, सबसे पहला विमान वाहक पोत बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है आपका विक्रांत। क्या नाम रखा गया है? विक्रांत नाम रखा गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंगापुर। कौन सा देश बन गया आपका? सिंगापुर सबसे पहला देश बन गया है मुक्त व्यापार समझौता को लागू करने वाला विश्व का पहला देश। मुक्त व्यापार समझौता मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसका इंग्लिश में फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है आपके। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ये आपका जाएगा आंसर नंबर बी के साथ, वनिता गुप्ता। किसे किया गया? वनिता गुप्ता को। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है, यह किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण से 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों को संशोधन के लिए, समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के 10% आरक्षण देने से, या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाए रखने के अधिकार से? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा आंसर नंबर डी के साथ जाएगा। आंसर नंबर डी क्या कह रहा है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची को बनाए रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। वर्चुअल आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सऊदी अरब ने, दक्षिण कोरिया, भारत ने, कतर ने। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका बी के साथ जाएगा, दक्षिण कोरिया। किसने किया अभी? साउथ कोरिया ने। किसने किया है? साउथ कोरिया ने किया। ठीक है, P4G का मतलब होता है पार्टनरशिप फॉर ग्रीन ग्रोथ ग्लोबल एंड गोल्स। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ एक बार, तो ये 4PG का मतलब होता है यहाँ पे पार्टनरशिप ऑफ 4G का मतलब है, पहले जी का मतलब है ग्रीन, दूसरे जी का मतलब है ग्रोथ, तीसरे जी का मतलब है ग्लोबल और चौथे जी का मतलब है गोल्स। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखेंगे पहला जी आपका ग्रीन, दूसरा जी आपका ग्रोथ, तीसरा जी आपका ग्लोबल, चौथा जी आपका गोल्स। तो इसका नाम पड़ा P4G मतलब पार्टनरशिप फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल्स। ठीक है, कि मेजबानी किस देश ने की है? साउथ कोरिया ने की। लास्ट क्वेश्चन आपके आज प्रैक्टिस सेट का, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? ये मैं आप लोग को टेलीग्राम में भी बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है, इंदौर जिला, जहाँ आपको वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। ठीक है, और सबसे सबसे स्वच्छ इस बार 2021 का सबसे स्वच्छ शहर भी आपको किसको घोषित किया गया? इंदौर को ही घोषित किया गया। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 1 to 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह हर 2 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट हम करते जाएंगे, साथ साथ डिटेल भी करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हमें हर टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कुछ हमारे करंट इशू में, डेली बेसिस इशू में, इंटरनेशनल बेसिस में, तो सब कुछ कवर हो रहा है। तो बस आप इस वीडियो को देखते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए और पढ़ाई करते जाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।